हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड कहता है कि या तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन आपको हो रहा है, या फिर इन्हीं सब चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक प्रॉस्पेरिटी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाने के लिए, कहीं ज़्यादा एक मॉनेटरी गेन अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाने के लिए आप एक एफर्ट कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, कहीं अपना नेटवर्क और बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके का गेट टुगेदर भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक है। और देखिए, इस कार्ड में लिखा भी हुआ है न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग जॉयफुल अनाउंसमेंट। तो हो सकता है कि कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है जिसको आप अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स या फिर अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं या फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे भी इस वीक ज़्यादा फोकस रह सकता है। हालांकि देखिए, ये प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड है, तो हो सकता है कि अपने कोवर्कर्स के साथ ही आप किसी चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं या फिर मज़ा मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से ओवरऑल इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो क्या बात है टॉरस, इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके की विश, डिज़ायर या तो आपकी पूरी हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि अब वो विश, वो डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी। और इसी वजह से या अदरवाइज भी मन ही मन एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है। तो हो सकता है कि ये विश, ये डिज़ायर अगेन एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में ला रही है। और देखिए, इस वीक 4 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स कप्स के हैं, और कप्स कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, एंड दूसरे 2 कार्ड्स कहीं पेंटिकल्स के हैं, और पेंटिकल्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करते हैं। और ये दोनों ही इमोशंस अगेन इस वीक के लिए आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। और देखिए, फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान जो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज में है, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो रहे हैं, काफ़ी आपको हेल्प कर रहे हैं किसी लाइफ के एरिया में, नहीं तो ओवरऑल ही अपने गोल, अपने मकसद को लेकर आप बहुत कमिटेड दिख रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड दिख रहे हैं। और कहीं पर्सनल फ्रंट में भी जहाँ आप चीज़ों को लेकर अगेन इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, वहीं बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से हर चीज़ को आप डील भी करते वे दिख रहे हैं। कहीं टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अगेन फोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि या तो आप कमिटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल रहा है, और यही आपकी विश है, डिज़ायर है, जो इस वीक पूरी हो रही है। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं। ओवरऑल दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और बहुत ही अच्छा ये वीक आप लोगों के लिए टॉरस जाता हुआ दिख रहा है।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ओपन अप का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत फिक्सेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान और बेहतर रहेंगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।